Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Shiny. A very happy Valentine's Day to all my viewers. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ Amazon Beauty Finds और ये जो प्रोडक्ट्स है ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. सारे प्रोडक्ट्स आर जस्ट अंडर ₹500 एंड दीज विल बी परफेक्ट गिफ्टिंग ऑप्शंस फॉर दिस वैलेंटाइंस डे एज वेल. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड डोंट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है. वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला जो Amazon find है दैट इज माई फेवरेट, विच इज दिस Mars आई शेडो पैलेट. ये है ब्लिंग इट ऑन ग्लिटर पैलेट एंड ये जो पैलेट है ना इसमें बहुत सारे ग्लिटरी शेड्स है और ये जो शेड्स है ना दीज आर वेरी वेरी पिगमेंटेड और इनमें ग्लिटर पार्टिकल्स काफ़ी अच्छे खासे हैं एंड ये थोड़ा सा प्रेस ऑन टाइप्स है. इसमें कोई भी आपको ग्लिटर ग्लू की ज़रूरत नहीं है, बस ये इटसेल्फ ही स्टिक हो जाता है आपके आईज आईलिड्स पर. सो आई लव दीज एंड इसमें जो कलर्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, स्पेशली दिस गोल्डन ब्लू सिल्वर ग्रीन, ऑल द कलर्स आर वेरी वेरी पिगमेंटेड एंड ऑल्सो वेरी ब्राइट एंड ये एकदम पार्टी वेयर है. तो मैंने अपने वेडिंग को ध्यान रखते हुए ही इसे परचेस किया है. नेक्स्ट आई हैव अनदर आई शेडो ऑप्शन जो कि है ये स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शेडो पैलेट इन द शेड 05. इस पैलेट में ना ब्लैक कलर भी है तो इसीलिए मैंने इस शेड को पिक किया है. हालांकि इसमें बहुत सारे शेड रेंजेस अवेलेबल है, कुछ पीची टोन में, कुछ न्यू टोन में और ये न्यू टोन में है. इसमें कुछ मैट शेड्स है, कुछ ग्लिटरी शेड्स है एंड दीज आर ऑल वेरी वेरी पिगमेंटेड. एक्चुअली ये ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट होता है क्योंकि इसमें ब्लैक कलर्स है, न्यूट्रल कलर्स है तो इससे आप कॉन्टोर भी कर सकते हैं. इसमें जो कॉपर शेड है ये ग्लिटरी शेड है तो पार्टीज के लिए भी परफेक्ट रहेगा. ब्लैक, एक्चुअली मैं अपने आईब्रोज को ब्लैक कलर के आई शेडो से फिल इन करती हूँ बिकॉज माई आईब्रोज आर डार्क ब्लैक, तो इसीलिए मैंने इसे लिया है ताकि ट्रैवलिंग के वक्त आसानी रहे. मैं सिर्फ इस आई शेडो पैलेट को ही कैरी करती हूँ एंड आई एम टोटली सॉर्टेड. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं अबाउट मेकअप ब्रशेस एंड मेकअप टूल्स, तो उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही अफोर्डेबल एंड गुड क्वालिटी ऑप्शन है, वो है ये मेकअप ब्रशेस एंड ये मैंने अपने वेडिंग के लिए परचेज किया है. मेरे पास पूना स्टोर्स के गुड क्वालिटी मेकअप ब्रशेस है ऑलरेडी बट वो पुराने हैं, दोज आर वुडन बट ये प्लास्टिक के हैं. बट स्टिल प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज रियली गुड क्वालिटी क्योंकि इसमें जो ब्रिसल्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. मैंने इसे वॉश किया है जस्ट टू चेक द क्वालिटी बट ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी के हैं. इससे ना आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड भी कर सकते हैं इस फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश से एंड इसमें आपको आई शेडो ब्रशेस भी मिल जाएंगे एंड इसमें आपको फेस ब्रशेस भी मिल जाएंगे. दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज एंड इसके साथ आपको फ्री में मिलेगा ये ब्यूटी स्पंज. ये उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है बट स्टिल यू कैन वर्क विद दिस. आप अपने नेक के जो फाउंडेशन है, अपने बॉडी फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं बट प्रोडक्ट वेस्टेज थोड़ा ज़्यादा होता है, दैट्स द मेन इशू विद इट. एंड नेक्स्ट इसके साथ आपको एक ब्रश क्लीनर भी मिलता है. दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग क्योंकि इससे मेरा काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है. मैं इससे सारे ब्रशेस को अभी वॉश करती हूँ एंड ब्रशेस बिकम स्विकी क्लीन. ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपके मेकअप ब्रशेस एंड मेकअप स्पंजेस को ईजिली क्लीन कर देता है. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने शाई स्टाइल्स के वीडियो से देखकर परचेज किया है एंड आई ब्लाइंडली ट्रस्ट हर रिकमेंडेशंस. दिस अर्थ रिदम लिप एंड चीक टिंट, मैंने इसमें पिंक जो शेड है वो लिया है. इसमें दो और शेड रेंजेस है, एक है चेरी विच इज मोर काइंड ऑफ अ रेड कलर एंड दूसरा मरून जो कि डस्की एंड डार्क स्किन टोन के लिए परफेक्ट ब्लश रहेगा. इसका जो शेड है ना ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्ट रहेगा. मेरे लिप्स के ऊपर उतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करता बट चीक्स पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे पास रेडिश काइंड ऑफ ब्लशेस बहुत ज़्यादा है बट मुझे कुछ पिंक ब्लश चाहिए था एंड दिस इज़ परफेक्ट. इसमें हल्का सा शाइन है. आई थिंक दिस विल नॉट बी गुड फॉर ऑयली स्किन. मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे अच्छा लगता है ऑल्दो इट्स विंटर सीजन, तो समर्स के लिए या फिर ऑयली स्किन के लिए आई थिंक ये उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें ऑयलीनेस है, थोड़ा सा ऑयलीनेस प्रोवाइड करेगा आपके फेस को. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी मेरे ब्राइडल मेकअप किट वीडियो में शेयर किया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है देन आई बटन पर मैं लिंक कर दूंगी. तो मैंने ये मेबेलिन का प्राइमर लिया है आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च क्योंकि मुझे एक अच्छा सा प्राइमर चाहिए था विच विल बी गुड फॉर ड्राई स्किन बिकॉज माई स्किन इज सुपर ड्राई एंड मुझे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स बिल्कुल भी सूट नहीं करता एंड दिस प्राइमर इज परफेक्ट. ये है मेबेलिन फिट मी ड्यूवी प्लस
स्मूथ, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है एंड डेफिनेटली ये ड्यूविनेस प्रोवाइड करता है एंड एक स्मूथ कैनवस प्रोवाइड करता है फॉर योर फाउंडेशन टू ग्लाइड ऑन योर स्किन एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्राइमर यू कैन फाइंड फॉर ड्राई स्किन पीपल. इस प्रोडक्ट को भी मैंने अपने ब्राइडल मेकअप किट वीडियो में शेयर किया था आप लोगों के साथ. ये है मेबलिन फिट मेकअप ब्लश एंड लुक एट द शेड. ये एकदम पीची सॉर्ट ऑफ शेड है एंड द शेड नेम इज 10 ब्रेव एंड ये शेड ना थोड़ा सा न्यूट्रल टोन में है तो ये फेयर टू मीडियम, मीडियम टू डस्की, एवरी स्किन टाइप ऑफ पीपल के लिए ये परफेक्ट रहेगा. थोड़ा सा इसमें ना ग्लिटरी पार्टिकल्स है, ज़्यादा चौंकी ग्लिटर्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड ग्लिटरी पार्टिकल्स है जो हल्का सा शाइन आपके फेस पर ऐड करेगा. तो अगर आप कोई ग्लोवी सा ब्लश चाहते हैं देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. ये अफोर्डेबल प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको अमेजन पर मिल जाएगी. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर अनदर मेबलिन प्रोडक्ट विच has become my cult favorite. ये है Maybelline Fit Me Fresh Tint in the shade 01. ये काफ़ी अच्छा coverage provide करता है, sheer to medium coverage provide करता है, day to day basis के लिए perfect रहता है. ये tint है actually, skin tint जो कि natural look देगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई foundation या makeup apply किया है, but it will provide a flawless smooth base, एकदम skin like finish देता है. इसके ऊपर मैंने एक video भी share किया है, आप चाहते हैं तो उस video को यहाँ पर click करके check कर सकते हैं. So yeah guys, That completes my video. Thanks for watching. I hope इस video से आप सबको help हुई है. Video पसंद आए then don't forget to like, share and subscribe to my channel. आज के लिए इतना ही. Stay blessed, stay happy. Bye.